दोस्तों नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। मुंबई में अमिताभ, धर्मेंद्र और मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक लगाने की धमकी देने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया के खिलाफ 70 विधानसभा क्षेत्रों में धरना दे रही भाजपा, फूका जाएगा पुतला। अहमदाबाद में शूटिंग के दौरान घायल हुए अमिताभ बच्चन, एक्शन सीन के बीच लगी चोट, 6 फिल्में पाइपलाइन पर। अमेरिका के जॉर्जिया में हाउस पार्टी के बीच गोलीबारी, 2 टीनेजर्स की मौत, 6 घायल। WPL मैच, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा मैच। नई दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर आज से हो जाएगा शुरू, सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोस्ट बजट में सेमिनार को करेंगे संबोधित। अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को चीनी ऐप टिकटॉक को हटाने के लिए मिला 30 दिन का समय। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष, प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र। और सर्जरी के बाद सुष्मिता सेन ने दिया हेल्थ अपडेट, बोली 95% फीसदी है ब्लॉकेज।